चलो रूट अंडर माइनस 16 बोलो कितना आएगा, राइट आएगा। पर यहाँ कुछ फैक्ट है, कुछ फैक्ट है। देखो रूट अंडर ए इंटू बी इक्वल टू कितना होता है, रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। आपने यही पढ़ा है, आपने गलत पढ़ा है। रूट अंडर ए इंटू बी इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी हमेशा नहीं होता। ये तब होता है जब ए और बी में से दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो कम से कम एक पॉजिटिव हो। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसके कंडीशन होते हैं कि इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव, कम से कम एक इनमें से पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव है ना फिर ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। जैसे रूट अंडर माइनस 16 है तो उसको किया क्या हो, ऐसे किया हो रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर माइनस 1 इससे ब्रेक करेंगे और ये कितना हो जाएगा 4 इंटू आयोटा, दैट इज 4 आयोटा। इसी से तो ये आंसर आया। पर अगर रूट अंडर ऐसा रहे 36 रहे, रूट अंडर 36 इक्वल टू प्लस 6 या माइनस 6? अरे प्लस माइनस 6, जाहिल जैसी बातें करोगे मार दूंगा, मुझे किडनी फूट जाएगा। पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल हमेशा पॉजिटिव रूट ही देता है, प्लस 6 होगा और माइनस 6 कभी भी नहीं होगा। बच्चों वाली बातें कर रहा है, बोल रहा है प्लस माइनस 6, नाइन्थ क्लास में ओके लगता है पर अभी नहीं। ये रूट अंडर एक काम करो माइनस 9 इंटू माइनस 4 लिख सकते हो क्या, ऐसा फॉर्मूले से ब्रेक करो, रूट अंडर क्या आएगा माइनस 9 इंटू रूट अंडर माइनस 4 इक्वल टू कितना 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा, बोलो क्या हो जाएगा 6 आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस 6। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग है। देखो यहाँ ये हो ही नहीं सकता, इसको ऐसे ब्रेक क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर दोनों नेगेटिव है तो उसको एक साथ कंबाइन, अगर दोनों नेगेटिव है मतलब दो फैक्टर नेगेटिव फैक्टर लिख रहे हो तो उसको अलग अलग ब्रेक भी नहीं कर सकते, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, समझ गए। ये स्टेप गलत है, ये स्टेप गलत है, ये इसके इक्वल नहीं है। ये समझना मैथ का ये कंसेप्ट होता है, अगर ये भूल गए ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये भूल गया कि रूट अंडर 36 इक्वल टू माइनस 6 बोल रहा है, मालूम क्या माइनस 6 नहीं होता। ओके चलो ये कंसेप्ट समझ गया क्या होता है। ओके आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2+3 आयोटा, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जो उससे मल्टीप्लाई होने पर यूनिटी बनाता हो, समझ गए। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/a इंटू 1/ क्या होता है 1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो इस वर्ड को समझ लेना, तो अगर जेड इक्वल टू क्या है 3+2+3 आयोटा एट 3 आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/2+3 आयोटा। लेकिन ये जनरल फॉर्म पे है नहीं, इसलिए क्या करेंगे इसे 2-3 आयोटा कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2-3 आयोटा 2-3 आयोटा बोलो, या जो 2-3 आयोटा डिवाइडेड बाय a² - b² 4-9 13 2×13 × 3×13 रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, रेडी ओके। ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अरे यार क्वेश्चन नहीं मिल रहा, एक और क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन कहाँ से ढूंढू। चलो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 9 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2-i, ये निकालो जरा। पहले तो जेड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो क्या है माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू कितना प्लस 1, 1-9 आयोटा डिवाइडेड बाय 2-i। क्या करो इसे 2+i, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2-18i - +i - 9i² क्या वो प्लस 9 है डिवाइडेड बाय a - b * a + b² - b² a² - b² जो लिखा 5 चौके क्या 11-18i / 5 17। ओके ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया जी, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इधर गया
तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ बी वाई होता है क्या? याद है कि नहीं है? याद है ना? तो नेगेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा? बी के बदले 17 बाय 5, 11 बाय 5, 17 बाय 11 लिख दूँ सीधा सीधा? किसी को कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नहीं मिलता। चलो एक क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो। वो है आयोटा पावर n प्लस 100 प्लस आयोटा पावर n प्लस 50 शायद 50 हाँ प्लस आयोटा पावर n प्लस 48 प्लस आयोटा पावर n प्लस 46। इसको कैलकुलेट करना है। देखो आयोटा पावर n कॉमन आ जाएगा सब में। आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पावर 50 प्लस आयोटा पावर 48 प्लस आयोटा पावर 46। आयोटा पावर n, आयोटा पावर 101, 50 कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा क्या? और ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, प्लस 1 से कैंसिल, ये भी प्लस 1 से कैंसिल, कुल मिला कितना आया? 0 आ गया। ओह हाँ, एक और क्वेश्चन। फाइंड जेड इफ जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 आयोटा टाइम्स ऑफ जेड प्लस 5 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक है। रियल क्वाड्रेटिक क्या होता था जिसमें एबीसी तीनों तीनों कोएफिशिएंट क्या होते थे? रियल नंबर। लेकिन यहाँ पर तीनों तीनों कोएफिशिएंट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए के बदले क्या है? 1। बी के बदले 3 माइनस 2 आयोटा का नेगेटिव। सी के बदले 5 माइनस 5 आयोटा बराबर। चलो 51 नंबर देखना उसे। फॉर्मूला क्या होता है? जेड इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालो, हाँ 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा क्या? अरे नहीं नहीं अरे 13 नहीं होगा भाई, 5 होगा वो। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का मतलब 9, अब बी स्क्वायर का मतलब 4 आयोटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी? माइनस 4। तो 9 माइनस 4 5, और उसके बाद प्लस 2 ए बी की माइनस 2 ए बी, माइनस 2 ए बी, तो माइनस 12 आयोटा, समझ गया? माइनस 4 ए सी, ये बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 ए सी। ए के बदले कितना है? 1। अस्सी के बदले ये चीज पुट करो, माइनस 5 20, माइनस माइनस प्लस 20 आयोटा बराबर। डिवाइड में कितना आएगा? 2। जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस 20, 5 20 पद कितना? वो तो है ही नहीं, एट आयोटा माइनस प्लस डिवाइडेड बाय, पहले तो आपको ये स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। देख रहे अंडर रूट ऑफ माइनस 15 प्लस 8 आयोटा क्या लिख दोगे? 14 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। इसको ये बोलोगे x प्लस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा कितना? माइनस 15, और x इंटू वाई यानी टू एक्स वाई इक्वल टू 8, तो x माइनस 4। तो ऐसे दो नंबर जिसके स्क्वायर का डिफरेंस आता है माइनस 15 और प्रोडक्ट आता है 4, एक नंबर हम 4 1, तो यहाँ पर 1 रखो यहाँ पर 4 रखो, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 होता है, लेकिन हमें चाहिए माइनस 15, इसलिए 1 माइनस 16 करना पड़ेगा। तो x के बदले क्या हुआ? 1, और y के बदले क्या हुआ? 4। तो x कमा वाई इक्वल टू क्या मिला? प्लस माइनस 1 कमा प्लस माइनस 4, रख दो यहाँ पे। आगे देखो जेड इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 3 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस क्या लिख दोगे से? इसको यही लिखोगे बाद में 1 प्लस 4 आयोटा का प्लस माइनस, ये प्लस माइनस एक ही तो है, दो बार में से एक बार क्यों लगा? क्या लिखेंगे इसे? 1 प्लस डिवाइडेड बाय, दो तरीके से बनेंगे, एक जेड 1 बनेगा प्लस के साथ, एक जेड 2 बनेगा माइनस के साथ। बनाते हैं प्लस के साथ, 3 प्लस 1 4, अब प्लस 2 आयोटा
2 जेड वन किसके इक्वल रहेगी 2 प्लस आयोटा जेड टू किसके रहा 3 माइनस 1 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या 2 जेड टू किसके इक्वल रहा 1 माइनस 3 आयोटा ये दोनों मिल गए दो रूट होते हैं दो रूट मिल गए तो इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने का तरीका वही होता है जो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है रूट निकालने का फॉर्मूला याद रहना सबको याद है ना ये तो नहीं पता चल रहा ये तो नहीं लग रहा कि ये क्या किया ओके लिखो इफ जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा देन जेड टू द पावर 4 माइनस 3 जेड क्यूब प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 99 जेड माइनस 95 इक्वल टू कितना अगर जेड का वैल्यू वो दिया है 3 माइनस 4 आयोटा तो इसकी वैल्यू कितनी कैसे बड़े तेजस्वी हो भाई पहले किया आप एक काम करो दुनिया के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 1 क्या लगता कर लोगे अगर करना है तो कर लो नहीं तो टाइम खोटी करोगे तो मैं करूंगा टाइम खोटी करोगे शर्म करो थोड़ी वो नहीं आता नंगे घूमो कल से बहुत सिंपल है यार ये नंबर यहां डाल के पावर 4 कर दो मर जाओगे फिर ये नंबर यहाँ डाल के क्यूब डाल दो ऑल हाथ खराब फिर डाल दो और मतलब ऐसे क्यूब 3 2 निकालो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्या करना है ये सोच रहे तो बहुत ही आसान है करने में हालत खराब हो जाएगी तो एक टेक्निक है बता ही देते जेड इज इक्वल टू क्या दिया 3 माइनस 4 आयोटा तो जेड इज इक्वल टू दिया है 3 माइनस 4 आयोटा इट मीन्स जेड माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4 आयोटा इसमें कोई दिक्कत दोनों तरफ स्क्वायर कर दो कोई पाप वाली बात नहीं। चलो ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर क्या हाँ प्लस 9 माइनस 6 जेड इक्वल टू कितना माइनस 16 प्लस 16 माइनस 16 ना माइनस 16 लिख लिया जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड प्लस 25 इक्वल टू कितना 0 ये क्वांटिटी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दीजिए एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से डिवाइड करना आता है मैंने सिखाया बेसिक में आपको याद है कि मैंने सिखाया शाबाश जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड प्लस 25 टाइम्स ऑफ नहीं डिवाइडेड किसको डिवाइड करना प्लस 3 जेड प्लस 99 जेड माइनस 95 देखो यहाँ वो दो आपको ये बात पता है दिस इंटू जो भी कुछ है वो मल्टीप्लाई होकर इधर होना चाहिए यहाँ क्या बनाना है जेड टू दी पावर 4 यहाँ क्या दिया जेड स्क्वायर क्या लगाना पड़ेगा जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करो सभी टर्म के साथ ये बन जाएगा जेड टू दी पावर 4 माइनस 6 जेड क्यूब प्लस 25 जेड स्क्वायर क्या कर दो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा क्या बोलते हो ये दोनों आपस में कट गए कितना 3 जेड क्यूब माइनस 22 जेड स्क्वायर है जेड क्यूब बनाना क्या पढ़ना क्या पढ़ना पड़ा 3 जेड करना पड़ेगा प्लस की माइनस प्लस 3 जेड समझ पा रहे हो क्या ओके प्लस 3 जेड क्यूब 3 जेड लगाओ इसके साथ मत जाएगा क्या बन जाएगा ये 3 जेड क्यूब और 3 माइनस 18 जेड स्क्वायर और प्लस 75 जेड बराबर अरे वो 99 जेड भी तो था इसे इसको सब्ट्रैक्ट किए तो प्लस क्या लिखेंगे इधर माइनस 95 ओके क्या हो जाएगा कट गया और ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 18 माइनस 22 कितना माइनस 4 जेड स्क्वायर इसको देखो कितना 24 माइनस की प्लस प्लस 24 जेड माइनस 95 बहुत अच्छे एक काम करो कुछ करो
माइनस फोर जेड स्क्वायर बनाना है क्या आपको इसको? क्या करना पड़ेगा? माइनस फोर क्या बन जाएगा? ये माइनस फोर जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 24 जेड, और 25 फोर जा माइनस 100। अब क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करूंगा ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, और ये प्लस बन जाएगा। ये दोनों आपस में कट गए। 100 माइनस 95 इक्वल टू 5। जरा ध्यान से सोचना, ये लिख सकते हैं क्या? दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। लिख सकते हैं? नहीं सकते। ओके नाउ एन ओ आओ नाउ, ये वाली चीज जो है जैसे आपकी वैल्यू निकालनी थी वो थी जेड टू दी पावर 4 माइनस 3 जेड क्यूब प्लस 3 जेड स्क्वायर प्लस 99 जेड माइनस 95। क्या इस क्वांटिटी को ऐसा लिख सकता हूँ? कैसा? दिस इंटू दिस जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड 25 टाइम्स ऑफ प्लस 3 जेड माइनस 4 प्लस 5, अरे दिस इंटू दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। लिख सकते हैं ना? ये क्वांटिटी क्या है? जीरो। देखो ध्यान से, जीरो है क्या? तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या? ये बन गया जीरो इंटू ये वाली चीज प्लस 5। फाइनल आंसर क्या रहा? ये रहा क्या आंसर? क्या ये इक्वल टू 5 आ गया? किस पे? एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4 आया बेटा पे। आपको समझा ये टेक्निक क्या क्या? दोबारा समझा दूं? यस बोल रहा है कोई? बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल। सिंगेज है क्या? थोड़ा सा देना जरा, मतलब पूरा ही दो। मिल गया। ये बुक बहुत ज़्यादा पढ़ते हो क्या आप? नहीं पढ़ते हो? काहे नहीं पढ़ते भाई? बेवकूफ लड़का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 एट एक्स इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 4। एक्स प्लस 5 इक्वल टू, देखो भाई साहब हुजूर इधर देखिए अंकल, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 4 आयोटा बराबर स्क्वायर कर दो। एक्स प्लस 5 का स्क्वायर करो जी, 4 आयोटा का स्क्वायर बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 16 इक्वल टू 0। चौक है क्या? लेफ्ट में आएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, मैं ही चौंक गया था। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इक्वल टू 0। इससे किसको डिवाइड कर दो? वो जो बड़ा एक्सपेंशन है, वो एक्सपेंशन क्या है? एक्स टू द पावर प्लस, यहाँ पसंद नहीं आया मेरे को, एक्स टू द पावर 4 प्लस 9x प्लस 35 आगे माइनस एक्स प्लस, ऐसे करना होता है। और इसको किससे डिवाइड करूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस 41 से। यहाँ एक्स टू द पावर 4 बनाना है, एक्स स्क्वायर को एक्स टू द पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर लगाओ, एक्स टू द पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 41 एक्स स्क्वायर माइनस करो, चिकी 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 कट गया, क्या मिलेगा? माइनस एक्स क्यूब आगे माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ओके अब क्या करूँ? माइनस एक्स लगाऊंगा ना। अच्छा ये सोच पाते सब लोग कि क्या करना होता है किसके पास? ये नहीं सोच पा रहे हो तो अलग बात है। माइनस एक्स क्या मिल जाएगा? माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 41x। अब क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस प्लस 10 क्या मिल जाएगा? 4x स्क्वायर 41x माइनस एक्स इज 40 40x प्लस 4। अब क्या कर दो? 4 लगा दूँ, 4 लगा दूँ 4x स्क्वायर बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 41 4 जाओ 164 चिका 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 खत्म खत्म माइनस 160 हो गया, माइनस 160 आ गया आंसर। ऐसे ही तो करना था। बस एक और क्वेश्चन,
इफ हे प्रभु ये क्या हुआ -7 -24 आयोटा का पावर 1/2 अगर इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो रहा है मतलब एक्स प्लस आई वाईटा हो रहा है देन छी छी बहुत ही आसान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है है मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ मैं कर दूँ क्या अच्छा एक तरीका तो आपको आता है क्या करोगे इसका स्क्वायर रूट निकालोगे एक्स वाई कंपेयर कर लोगे जो आपको नहीं आता वो बता दो आता आपको वो भी है दिमाग आपको उतना चलेगा नहीं मेरा आप पे कितना भरोसा है ना मुझे पता है आपका नहीं चलेगा देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रख दो जेड एक अलग मेथड से करके देते यूलर फॉर्म का यूज करके जेड इक्वल टू कितना मान लें -7 -24 आयोटा इक्वल टू क्या होता मॉड ऑफ जेड इनटू ई टू द पावर आयोटा थीटा यही ना होगा है हाँ। मॉड ऑफ जेड कितना है 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ए 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 625 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 625 होता है 6 स्क्वायर का कितना हो जाएगा 25 25 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा कुछ एंगल होता होगा आपको क्या करना है ये एक्चुअल में क्या है क्या ये मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर है नहीं ये मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर नहीं है ये एक्स प्लस वाई क्या है रूट अंडर जेड है एक रूट अंडर जेड है और रूट अंडर जेड का मॉड का स्क्वायर है यही आएगा अब आपको जेड मिल गया तो जेड का 1/2 ले लो जेड का पावर 1/2 कितना हो जाएगा 25 का पावर 1/2 ई टू द पावर आयोटा थीटा बाय 2 बराबर इसका मॉड ले लो इसका मॉड लोगे कितना होगा इतना ही ना आएगा तो 25 का पावर 1/2 ये मिल गया जेड का पावर 1/2 का मॉड और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना चलो स्क्वायर करो क्या गया आंसर क्या आपको ये तरीका समझा नहीं समझा जो बंदा समझ नहीं पा रहा है वो बंदा सोचेगा कैसे वैसे मैंने अच्छे से समझाया नहीं आपका गलती नहीं है इसमें मैं इसे प्यार से भी समझा सकता था देखो इसको वो देखो थोड़ा सोचना पड़ता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है तो ये एक्स वाई कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड जेड है अगर ये जेड मान लो कि जेड इक्वल टू कितना है -7 -24 आयोटा तो ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा रूट अंडर जेड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यही मतलब होगा तब आप यहाँ से रूट अंडर जेड का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए अब मैग्नीट्यूड निकालने का तो एक और तरीका है ना यूलर फॉर्म है और वैसे बिना यूलर फॉर्म पे कन्वर्ट किए भी बन सकता है इसका रूट जेड का मैग्नीट्यूड निकालिए तो पहले जेड को लिख दीजिए मॉड ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बराबर तो जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इसका आ रहा है 25 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा आपको क्या करना है रूट जेड चाहिए मैग्नीट्यूड अगर आपको रूट जेड का चाहिए तो पहले रूट जेड निकालना पड़ेगा तो रूट जेड कितना हो जाएगा 25 का रूट इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा बाय 2 चौंक गए क्या नहीं 25 का रूट कितना होता है 5 होता है आप जरा बताना कि रूट अंडर जेड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा है आयोटा एंगल है ना ये जी ये एंगल है तो इसका r कितना हुआ 5 हो गया क्या लग रही है अपने जाति का है नहीं इम्पोर्टेड चीज़ है भी लाई थी ये जो है 5 हो गया आपको क्या चाहिए था उसी 5 का स्क्वायर चाहिए था ये तो आपने निकाल लिया ये क्या तो वॉट के बदले आपका क्या है 5 इसका स्क्वायर कर दो कितना है 25 बिना स्क्वायर रूट निकाले हुए आंसर आएगा कंसेप्ट पता हो तो कैसे भी लगा सकते हैं पर कैसे भी लगाने के लिए दिमाग भी चलना जरूरी है